भारत नेपाल सीमा स्थित नौजुलिया में आज दिन शनिवार को 49वीं वाहिनी सीमा बल की सीमा चौकी नौजुलिया के ई कंपनी के प्रभारी निरीक्षक आई जमीर के नेतृत्व में वन विभाग व रमनगरा चौकी पुलिस स्टाफ के साथ एसएसबी ने पेट्रोलिंग व गश्त शांतिपूर्वक किया, साथ ही संयुक्त बैठक भी की गई। वहीं ई कंपनी के प्रभारी निरीक्षक आई जमीर ने मीडिया को बताया कि नेपाल में डीजल और पेट्रोल महंगे दामों में बेचने के लिए तस्करों द्वारा भारत से पेट्रोल व डीजल व अन्य सामग्री नेपाल में ले जाया जाता है, इसीलिए सीमा पर अवैध तस्करी पर रोकथाम लगाने की दृष्टिगत वन विभाग पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर गश्त किया गया और यूपी पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग भी की गई। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के बीच सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है और सुरक्षा लगातार देते रहेंगे। इस दौरान ही कंपनी के प्रभारी निरीक्षक आई जमीर अपने संयुक्त टीम के साथ वन विभाग के डिप्टी रेंजर शाहिर अहमद, सुरेंद्र सिंह सियाराम, रमनगरा चौकी इंचार्ज हरिवंश कुमार आदि उपस्थित रहे। आज हमने यहाँ एक प्रोग्राम आयोजन किया था, इसमें फॉरेस्टर और लोकल पुलिस और अपना एसएसपी मिल गए। आज हमने यहाँ कोऑपरेशन मीटिंग हुआ है, मीटिंग में बहुत डिस्कशन हुआ है, बहुत चर्चा हुआ है बॉर्डर इलाका को संधि भाव में रखने के लिए। और उसके बाद हम लोग एरिया डिमोलिशन भी किया हुआ है, एरिया डिमोलिशन खत्म करने के बाद फिर हम लोग ने बॉर्डर पिलर को चेकिंग किया हुआ है। अच्छा माहौल दिया आज, अच्छा हमने बहुत काम सक्सेस हुआ है और नेक्स्ट आने वाला दिन में भी हम लोग इसे मिल के अपना एरिया को शांति भवन रखने के लिए हम लोग चर्चा किया हुआ। थैंक यू।